कैसा हो, छपरा का सांसद कैसा हो। एक आप सबका संपूर्ण साथ और दूसरा आप सबका अटूट प्यार, यही दो चीज कृपा आप अपनी बहन बेटी को दीजिए। मैं सौगंध खाती हूँ कि आपकी सारण की सेवा में अपनी जी जान लगा दूंगी। सारण बनेगा उदाहरण, मेरे साथ सभी कोई बोलिए, मेरे साथ आप सब बोलिए, सारण बनेगा उदाहरण, सारण बनेगा उदाहरण। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्ट चीज देख रहे हैं रोहिणी आचार्य के नामांकन सभा में आज खूब भीड़ उपे। देखिए सारण की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें रोहिणी आचार्य महागठबंधन की ओर की उम्मीदवार हैं, लालू प्रसाद की बिटिया हैं, उनकी वो बिटिया जिन्होंने उन्हें किडनी देकर पुनः जीवन दान दिया। लालू प्रसाद का जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था सिंगापुर में तो रोहिणी आचार्य ने ही उन्हें किडनी दी थी। रोहिणी आचार्य अब सारण से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नामांकन में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सभी इतने लोग पहुंचे थे, मुकेश सैनी भी पहुंचे, अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेताओं ने नामांकन के बाद नामांकन सभा का जो आयोजन किया गया था राजेंद्र स्टेडियम में उसमें खूब हुंकार भरी है। देखिए रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है और तेजस्वी यादव ने भी अपनी बहन रोहिणी आचार्य के बगल में खड़े होकर पुरानी बातें साझा की हैं। दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये भी कहा है। कैसे रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को खाना खिलाया करती थी बचपन में, वो यादें भी ताजा की हैं। और लालटेन पर बटन दबाने को कहा है। देखिए रोहिणी आचार्य ने भी कहा है हम नेता नहीं हैं, आपकी बेटी हैं, आपकी बहन हैं। रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव ने हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे थे उस जनसभा में उसके सामने खूब भाषण दिया है, काफी अपनी बातें रखी हैं, हम दोनों को ही सुनवाते हैं। मैं कोई भाषण देने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हुई हूँ, मैं सिर्फ आपसे संवाद करने के लिए हूँ। इतने दिनों से घूम घूम कर मैंने क्षेत्रों की सभी समस्याओं को जाना, पहचाना और समझा है। मैं ना किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने और ना ही नकारात्मक राजनीति करने के लिए यहाँ आई हूँ। विदेश के तमाम मौजूद सुख सुविधाओं को छोड़कर सारण को सुंदर, समृद्ध, आधुनिक और विकसित सारण बनाने के सपने को साकार करने सारण की जनता जनार्दन के आदेश, निर्देश और का सम्मान करते हुए अपने पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी की कर्म भूमि में सबका सुख दुख बांटने आप सभी के बीच आई हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी हूँ। जैसे घर में मातृशक्ति माँ बहन अपने परिवार जनों, भाई जनों, घर वालों का ख्याल रखती है, वैसे ही आपकी ये बहन बेटी आपके सुख दर्द में ख्याल रखेगी आपका। हमारा लक्ष्य किसी को हराना नहीं है, हमारा लक्ष्य आपको यानी जनता जनार्दन मालिकों को जिताना है। 15 अगस्त से नौजवानों को नौकरी देना है, गरीब को मुफ्त इलाज देना है, मजदूर को मेहताना देना है। रक्षाबंधन में बहनों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया देना है। किसान को उसकी फसल का उचित दाम देना है। माताओं बहनों को सम्मान और सुरक्षा देना है। और इसके बदले मुझे बस दो चीजें मैं आप सभी से मांगती हूँ, सिर्फ दो चीजें मैं आप सभी से मांगती हूँ। मेरा आवाज कम क्यों? एक आप सबका संपूर्ण साथ और दूसरा आप सबका अटूट प्यार, बस यही दो चीज कृपा आप अपनी बहन बेटी को दीजिए। मैं सौगंध खाती हूँ कि आपकी
सारण की सेवा में अपनी जी जान लगा दूंगी और ये सौगंध है वादे से मुकर जाए ऐसा न हम लोग नहीं की। परम आदरणीय लालू जी को आप लोगों का असीम स्नेह और समर्थन लगातार मिला है, मैं भी ठीक वैसा ही प्यार और आशीर्वाद पाने में विश्वास के साथ आपके बीच आपकी सेवा करने के उद्देश्य से आई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी इस बेटी के ऊपर अपना पूरा प्यार आशीर्वाद उढ़ेल देंगे। हाथ उठा कर बोलिए आप अपने इस बेटी बहन को साथ देंगे ना, सबको हाथ उठा करके बोलिए आप अपनी बेटी बहन को साथ देंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको अपनी इस रोहिणी पे गर्व होगा, आप लोग फख्र से कहेंगे कि बेटी रोहिणी की जैसी सांसद होनी चाहिए। हमारा सारण पूर्व की भांति देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक बार फिर अपना चमक बिखेरेगा। आपके प्रेम समर्थन सहयोग और आशीर्वाद से सारण को विकास का उदाहरण बनाऊंगी, सारण बनेगा उदाहरण। मेरे साथ सभी कोई बोलिए, मेरे साथ आप सब बोलिए, सारण बनेगा उदाहरण, सारण बनेगा उदाहरण। आइए हम सब मिलकर कुछ नया बेहतर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सारण, धन्यवाद सारण, जय भीम, जय सारण, जय बिहार, जय इंडिया महागठबंधन। चुपचाप 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 भाजपा बगाओ। रोहिणी आचार्य जी, लालू जी ने सारण के मतदाता जनता के पार्टी के सभी नेताओं के राय से हमारी दूसरी नंबर की बहन जो दूसरे नंबर पर है, पहली मीसा भारती जी, इनको यहां से सारण से टिकट देने का काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिता की कर्म भूमि पर जो कार्य मेरे पिता ने आप लोगों के लिए किया है उससे भी आगे बढ़कर के हमारी बहन सारण की जनता का सेवा करने का काम करेगी। और आप सब लोगों को पता है क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की सेवा की, पिता को जीवन दान दिया, उससे बढ़ चढ़ करके हमारे जितने सारण के लोग हैं अपना परिवार समझ करके, माता पिता भाई बहन समझ करके ये सेवा करेगी। और आप लोगों को एक खास बात बता दें, हमारे परिवार में केवल हम ही दोनों ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। मेरा खून ओ पॉजिटिव है और हमारी रोहिणी जी का भी ओ पॉजिटिव है, बाकी लोग बी प्लस है। और हम सब लोग, और हमको जब खाना, माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो हमको खाना यही खिलाती थी जब हम छोटे थे, तो हमने के कैसे बाल बच्चा के खिलावली सर, भैया कौर ले लेकर के लड्डू बना बना करके दाल भात के खाला बाबू ना तो चिड़िया के ले जाए। तो आज हमको बड़ा करने में भी इनका बड़ा योगदान है। तो आज ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप सब लोगों को यही बताने आए हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप सब लोगों का प्यार और समर्थन चाहिए। हमारे पिता लालू जी ने सारण के लिए क्या क्या किया, जेपी विश्वविद्यालय हो, कारखाना हो, नौकरी की बात हो, रेलवे स्टेशन को चमकाने की बात हो,
रोड पुल पुलिया आरओबी की बात हो, सारे काम को लालू जी ने किया है। रेलवे अगर चल रहा है तो पूरे देश का रेलवे का चक्का का कारखाना सारण में बनता है, ये लालू जी की देन है। काम तो अनेकों है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि इनका विधायके खरीद लिए बीजेपी वाला। हम कह रहे थे मेरा तो सीएमए का हाईजैक कर लिया सर। अरे हमारे चाचा जी पलट गए, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति सम्मान था, सम्मान करेंगे, पिता तुल्य है और हम आगे भी उनको इज्जत और सम्मान देने का काम करेंगे। लेकिन भाइयों, मोदी जी आते हैं क्या बोलते हैं, भाइयों बहनों अब तो हम चाहते कि हम अपने मुंह से हम क्या बोले, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है और देश के नेताओं को गरीब की आवाज आ रहा है। अच्छा, ये हम बाद में हम भजवा रहे हैं, यही बोले थे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा, मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेगा, मोदी आएगा तो हर किसानों का आय को दुगुना कर देगा, मोदी आएंगे तो सबका पक्का मकान बना देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज दे देंगे। आप बताइए 10 साल में मोदी जी ने सारण के लिए क्या किया है? ये अभी डबल डेकर बन रहा है, हम लोगों बनवाए और जितना बाईपास अभी है अमनौर का, परसा का, गरखा का, रिवीलगंज का, ये हमने अभी अपने कार्यकाल में 17 महीने में हम लोगों ने देने का काम किया। मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले ले कि गोबरों के हलवा बना करके परोस दे ले, इनके बात पर विश्वास ना करके है, इन पर विश्वास नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इस बार जो जुमला का पहाड़ बनाए हैं मोदी जी, इसको बिहार की जनता धाने का काम करेगी, इनको उल्टा पैर वापस लौटाने का काम करेगी। इसलिए आप सब लोग महान मतदाताओं से यही अपील है, चाहे अगड़े भाई हो, चाहे पिछड़े भाई हो, चाहे अति पिछड़े भाई हो, दलित हो, सब लोग अल्पसंख्यक भाई एकजुट होकर के देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करना है। तो रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, आपने सुना है। लालू प्रसाद ने भी जनता से वोट मांगा है, अपील की है कि रोहिणी आचार्य को चुनाव जिताइए। देखना ये है सारण के रण में, रोहिणी आचार्य ने तो आज नामांकन कर दिया है, 2 मई को राजीव प्रताप रूडी भी नामांकन करेंगे, क्या होना है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी पहले राबड़ी देवी और चंद्रिका राय को हरा चुके हैं। लालू प्रसाद इसी सारण से चुनाव जीत कर केंद्रीय रेल मंत्री बने थे, तो लालू प्रसाद का जो रिकॉर्ड है क्या वो रोहिणी आचार्य तोड़ पाएंगी, क्या रोहिणी आचार्य अपने पिता की जगह ले पाएंगी, देखना होगा सारण की जनता क्या फैसला करती है। आपने सुना है रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।